कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधु, 700 तीर्थराज सम्मेलन शिखर के पवन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जनशासन की पताका लहराएगी पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो मात्र जैनत्व के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक सौगात लेकर आई है जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनने वाला है गुणायतन, न जाने कितने लोगों के दिशा का बोधक बनेगा गुणायतन। मैं निवेदन करूंगा जो आज तक नहीं जुड़े हैं गुणायतन से वो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए, गुणायतन से जुड़िए। निम्न नंबर जो चल रहे हैं पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से उन नंबरों में संपर्क कीजिए, जानिए गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाएं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इसी परिसर में गुणायतन परिसर में शानधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं आपके वैवाहिक वर्षगांठ जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ शानधारा संपन्न हो तो आप निम्न नंबरों में अपना नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं। बंधुओं, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ करके अपने सौभाग्य को जागृत कर रहे हैं। आइए उसी कड़ी में हम आपको जोड़ते हैं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को संबद्ध किया है। ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं, जिनके नामों की उद्घोषणा करूं वो आए और उनका सम्मान पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, साथ ही वो हमारे गुणायतन से आज वो सम्मानित होंगे। गुणायतन परिवार उनका हृदय से स्वागत करता है। सर्वप्रथम सूत्रधार सदस्य, आइए सर्वप्रथम सूत्रधार सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं ऐसे श्रावक सृष्टि श्रीमती शशि प्रभा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जैन श्री नीरज जैन अभिलाषा जी काव्या नव्या जैन सागर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा पवन जी गोधा दिल्ली और विजय जी चांदी वाले हमारे बीच उपस्थित हैं। वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें श्रीमती शशि प्रभा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जैन नीरज जी अभिलाषा जी काव्या नव्या जैन सागर मध्य प्रदेश से जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए और मैं शीघ्र अति शीघ्र सम्मान की कड़ी लूंगा। श्रीमती मालती सराफ जी महेंद्र सराफ मनोज विशाल डॉक्टर सेजल वर्षिता अंश अनुस आदिश सरोज वीणा संध्या सराफ आ जाइए सम्मान के लिए सपरिवार आइए और आ जाए ललितपुर से हमारे बीच में श्रीमती मालती सराफ श्री महेंद्र सराफ मनोज विशाल डॉक्टर सेजल वर्षिता अंश अनुस आदिश सरोज वीणा संध्या सराफ ललितपुर साफ परिवार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुभाष जी जैन सीएफओ गुणायतन सीईओ गुणायतन और सुनील जैन जी सीएफओ गुणायतन बुआए और शीघ्र से सम्मान की कड़ी को पूर्ण करेंगे। इसी कड़ी में जुड़े हैं एडवोकेट प्रमोद कुमार जैन नोटरी श्रीमती सपना जैन सिद्धांत जैन विनोद जैन अशोक नगर से वो भी आए सूत्रधार सदस्यता इन्होंने प्राप्त की है और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री राजेश जी सेठी और सोनू जैन जी फिरोजाबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं। वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के सम्मान के लिए। हाँ अजय और साथ ही शकुन दीदी हमारी वो भी आएंगे सम्मान की कड़ी में अपना योगदान देंगी। श्री एडवोकेट प्रमोद कुमार जी नोटरी श्रीमती सपना सिद्धांत विनोद जैन जी उपस्थित हैं अशोक नगर से, इनका सम्मान हो रहा है। इसी कड़ी में सूत्रधार सदस्यता प्राप्त की है वीरेंद्र जैन सौरभ जैन साकेत जैन सिद्धार्थ जैन सागर मध्य प्रदेश से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत निवेदन करूंगा बुआएं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री मुकेश जी पाटोदी साहब और वीरेंद्र जी छावड़ा कोडरमा से बुआएं और ऐसे श्रावक श्रेष्ठ का सम्मान करें सागर से वीरेंद्र सौरभ जैन साकेत जैन सिद्धार्थ जैन साहब परिवार। इसी कड़ी में निर्माण मित्र से जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है श्रीमती अरुणा जैन शिखर चंद जैन एडवोकेट डॉक्टर सिद्धांत विजयवर्धन अनीता राजवर्धन जैन झांसी मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सीए संजीव जी सेठी गया
और संजय बिलाला जी बड़नगर से, बुआएं आरएसएस श्रावक शिष्य का सम्मान करेंगे जो निर्माण मित्र से सूत्रधार बने हैं, शीघ्रता से आए। इसी कड़ी में श्रीमती शारदा देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री नंदन कुमार जैन बाजा परिवार संजय जैन जबलपुर से, इन्होंने भी आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा पंकज मोदी ललितपुर से और साथ ही अशोक जी सिंघई वो सम्मान करेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं शारदा जैन, हाँ अरुणा जैन, शेखर चंद जी एडवोकेट, सिद्धांत राजवर्धन, अनीता राजवर्धन का सम्मान हो रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए जी, हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती शारदा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय नंदन कुमार जैन बाजा परिवार, आए संजय जैन जी और इनके सम्मान के लिए पंकज मोदी ललितपुर से और अशोक सिंघई जी हमारे बीच में विदिशा से खुरई से हमारे बीच में हैं और सम्मान करेंगे। अगला मैं नाम घोषणा कर रहा हूं, निर्माण शास्त्री से सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है श्रीमती मीना जैन, पीयूष जैन, प्रिया प्रिंस, नेहा जैन जयपुर से, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। आइए शीघ्रता से आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा अजित जी तोतुका हमारे बीच उपस्थित हैं और फूलचंद जी छावड़ा वो भी आए और इस सम्मान की कड़ी में अपना योगदान देंगे। आइए शीघ्रता से, इसी कड़ी में सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है राजीव जैन, श्रीमती चंदा जैन, श्री रोहित जैन, श्रीमती निकिता जी, समर्थ जैन, विमर्थ जैन, सिवनी मध्य प्रदेश से, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत है। आइए साहब परिवार, आइए साहब परिवार और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और साथ ही शकुन दीदी सागर वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करेंगे और सुनील जी बिलाला वो भी आए, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हाँ अब अगले राजीव जैन, श्रीमती चंदा जैन, रोहित जी, श्रीमती निकिता जी, समर्थ विमर्थ सिवनी मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका सम्मान कर रही हैं श्रीमती लता जी गंगवाल, शकुन दीदी और संजय जी बिलाला साहब आए, सुनील जी बिलाला आइए। इसी कड़ी में सूत्रधार बने हैं अनिल कुमार जैन, श्री नीलेश कुमार जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, हमारे बीच उपस्थित हैं आप हैं और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मुकेश जी पाटौदी साहब और वीरेन जी छावड़ा कोडरमा से आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। अनिल कुमार जी, नीलेश कुमार जी जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित हो, शीघ्रता से आए। दिल्ली से श्री राजेंद्र कुमार, प्रियंकर जैन, श्रीमती शशि जैन, गीतिका जैन साह परिवार, इन्होंने भी आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, ध्वनि से स्वागत। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे बीच में जी अनिल कुमार जी, नीलेश कुमार जी जैन साहब परिवार, आइए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। इसी कड़ी में बुलाऊंगा राजेंद्र कुमार, प्रियंकर जैन, श्रीमती शशि जैन, गीतिका जी दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से हमारे बीच सूत्रधार सदस्यता प्राप्त की है आए और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाऊंगा सीए संजीव सेठी गया और संजय पवन जी गोधा दिल्ली से आए और सम्मान करें राजेंद्र, प्रियंकर जैन, श्रीमती शशि, गीतिका जी सा परिवार, जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए आपकी, एक बार जोरदार पुनः स्वागत कीजिए। और साथ ही सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है महेंद्र कुमार, सुनीता जैन, गिरधरवाल सा परिवार आए और शीघ्रता से आए और इनके सम्मान के लिए पंकज मोदी जी ललितपुर से और अशोक जी सिंघई खुरई से हमारे बीच है वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। आइए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब जिन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके अपना सौभाग्य जागृत किया है ऐसे श्रावक सृष्टि का बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा वाला सिवनी बालाघाट से हमारे बीच में श्री आलोक जैन मॉडल, अविनाश मॉडल, सौरभ जैन, पायल जैन, माया जैन, वेदांश जैन, अन्नति जैन, वाला सिवनी बालाघाट, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए,
जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आज संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन से। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा पवन जी गोदा साहब दिल्ली से और विजय जी चांदी वाले आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके इन्होंने अपना गौरव बढ़ाया है और गुणायतन से विशेष तौर पर जुड़े हैं। आइए, सम्मान हो रहा है, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। हाँ, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। और संस्थापक सदस्य के रूप में एक और ऐसे श्रावक सृष्टि जी, आलोक जी का सम्मान करें। वारा सिवनी वाला घाट से हैं, अशोक जैन मॉडल, अविनाश मॉडल, सौरभ जैन, पायल जैन, माया जैन, विदांश जैन, अन्नति जैन, वारा सिवनी वाला घाट से सम्मान हो रहा है। आपकी करतल ध्वनि की आवाज आने चाहिए, पुण्य की अनुमोदना। साथ ही एक सूत्रधार मैं करा रहा हूं, उसके बाद एक और संस्थापक सदस्य बड़े विशेष नाम के साथ बुलाऊंगा हमारे बीच में सूत्रधार सदस्य गुणायतन सूत्रधार वचखेड़ा से, वचखेड़ा भीलवाड़ा से धनराज जी जैन, श्रीमती मंजू जी जैन साहब परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हमारे बीच उपस्थित है। आइए, निवेदन करूंगा गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए सुनील जी बिनाला, संजय जी सेठी आ जाएं। हाँ, जिनराज जी, मंजू जी जैन साहब परिवार बचखेड़ा भीलवाड़ा से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए, साहब परिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, आशीष प्राप्त करें और इनका सम्मान संबद्ध। और साथ ही आज संस्थापक सदस्य के रूप में राजधानी दिल्ली से जिन्होंने विशेष रूप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री जीतेंद्र नीतू जी नरपत्या, सनी शुभम श्लोक जय नरपत्या, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। आइए, और इनके सम्मान के लिए पुनः बुलाना चाहूंगा पवन जी गोदा साहब दिल्ली से और साथ ही विजय जी चांदी वाले आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। जीतेंद्र नीतू जैन नरपत्या, सनी शुभम श्लोक जैन नरपत्या साहब परिवार, जिनेंद्र, हाँ श्री जिनेंद्र नीतू जी नरपत्या, सनी शुभम श्लोक जैन नरपत्या साहब परिवार, आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनका सम्मान हो रहा है। आपकी तालियों की आवाज पुण्य की अनुमोदना में होना चाहिए। आप भी बंधो इस प्रकार से जुड़ सकते हैं गुणायतन से और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए। शेष जो आज जुड़े हैं निर्माण मित्र की सदस्य जिन्होंने प्राप्त किए हैं, श्रीमती शांता जैन, श्री अतुल आदित्य महावीर जैन सोनीपत से, निर्माण निधि के सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री जय कुमार जैन, श्रीमती लार देवी सेठी कोटरी भीलवाड़ा से, निर्माण सारथी दो सम्मान, निर्माण सारथी में दो सम्मान, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय जिनेन्द्र कुमार जैन, प्रदीप जैन, प्रमोद जैन जी साहब परिवार दिल्ली से हमारे बीच निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं। आइए, निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, आशीष प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए बलट जाऊंगा सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सुनील जी सीएफओ गुणायतन आए और इनका सम्मान करें, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। और साथ ही निर्माण सारथी एक और महेंद्र कुमार, रविंद्र दोषी, सुशीला भाई दोषी, बसीर बाग हैदराबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए और उनके सम्मान के लिए ही मैं सुनील जी और बुलाना चाहूंगा लता जी गंगवाल और गुणायतन मंत्री और शकुन दीदी सागर से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो महेंद्र कुमार, रविंद्र दोषी, सुशीला भाई दोषी, बसीर बाग हैदराबाद, इनका सम्मान करेंगे। हाँ, सबसे पहले सम्मान हो रहा है सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय जिनेन्द्र कुमार, प्रदीप जैन, प्रमोद जैन दिल्ली का, साहब परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। शेष जो निर्माण सारथी बने हैं, आइए अब सम्मान करेंगे श्री महेंद्र कुमार, रविंद्र दोषी, सुशीला भाई दोषी, बसीर बाग हैदराबाद से, और सम्मान कर रहे हैं श्रीमती लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और साथ ही शकुन दीदी सागर। शेष जो निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है, रीवा से श्रीमती नत्थी भाई जैन, प्रदीप कुमार जैन साहब परिवार, टीकमगढ़ से श्री संजीव बैस, श्रीमती सविता बैस साहब परिवार, श्रीमती शांति देवी बैनाड़ा धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी बैनाड़ा साहब परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है, दिल्ली से श्री निर्मल जैन, सुरेंद्र कुमार जैन साहब परिवार, दिल्ली से रश्मि जैन धर्मपत्नी, धनेश कुमार जैन साहब परिवार, जबलपुर से श्रीमती प्रभा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रमोद कुमार जैन, बैंगलोर से श्रीमती किरण दे, प्रियंका, मनीष, रेणु, आलोक, सोनल, संजय, समर्थ, अक्षरा, संस्कार जैन,
भोकरदान जालना से पवन कुमार, रोहित कुमार वाकलीवाल सतना मध्य प्रदेश से, दयाचंद शास्त्री, श्रीमती सुमन लता जैन सतना सपरिवार। आइए सतना से हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित दयाचंद जी शास्त्री, श्रीमती सुमन लता जैन आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा मुकेश जी पाटौदी साहब और संजय जी बिलाला, आ जाएं और इनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं शास्त्री जी, शेष निर्माण निधि सदस्य अलवर से, और साथ ही और बंधुओं जैसा कि पता है शाश्वत तीर्थराज सम्मेलन शिखर में आगामी अष्टानिका में इसी इस गुणायतन परिसर में होगा महानुष्ठान सिद्धों की आराधना। दो नाम और जो मंडल के रूप में जिन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, दो मंडल और आए हैं, श्री नथमल जी, संतोष कुमार, महेंद्र कुमार, कमलेश पांड्या, प्रवासी गुवाहाटी ईटानगर निवासी सुजानगढ़ से, इन्होंने भी एक मंडल की स्वीकृति प्रदान की। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही जयपुर से श्री अजित शशि जी तोतुका सा परिवार ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने भी एक मंडल का पुण्यार्जन प्राप्त किया। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने निर्माण दान में सहयोग प्रदान किया, संतोष कुमार जैन 20,000 रुपए, श्रीमती स्वर्णलता धर्मपत्नी सुनील जैन 11,000 रुपए, बजाज परिवार आगरा से, इन्होंने भी 11,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान करके अपने सौभाग्य को जागृत किया है। निर्माण मित्र श्रीमती शांता जैन, अतुल जैन, आदित्य महावीर जैन सोनीपत, निर्माण निधि जय कुमार, श्रीमती लाड़ देवी जैन कोठारी भीलवाड़ा से। जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आइए बंधुओं बिना किसी विलंब के सीधे सीधे चलते हैं संकट समाधान की इस विशेष कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं। आगे के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। श्रीमती शशि जी तोतुका को मंच पर आवाज लगाऊंगा कि वे आए। और हम चल रहे हैं इसी क्रम में एक और निर्माण नायक के रूप में डॉक्टर प्रकाश चंद जी भारिल की स्मृति में श्रीमती किरण भारिल नागपुर, पुत्र पुत्र वधु पीयूष रिमी, पुत्री दामाद प्रियंका संवेग मोदी भोपाल और पोते रियांशी भारिल नागपुर, वे आए और हमारा सत्कार स्वीकार करें। सत्कार करने के लिए आदरणीय लता दीदी को और शकुन दीदी को आवाज लगा रहा हूं कि परिवार का सत्कार करने के इस बहुभाग को प्राप्त करें। उसके बाद हम इसके बाद में आदरणीय अजीत जी, शशि जी तोतुका को आवाज लगा रहा हूं जिन्होंने आज अनंत अनंत सिद्धों के वंदना का सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, भाग्य प्राप्त किया है। अष्टानिका में एक मंडल के रूप में आपने पुण्य अनुष्ठान में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सत्कार करने के लिए आदरणीय सुनील भाई साहब, आदरणीय सुभाष भाई साहब को आवाज लगा रहा हूं कि आएंगे और अजीत जी, शशि जी तोतुका का सम्मान करेंगे। उसके बाद में आवाज लगा रहा हूं श्रीमान जिनराज जी डालमिया कोर्ट रोड, मंजू जी, आयुषी जी डालमिया जयपुर से हमारे बीच में है, दिल्ली से हमारे बीच में है, जो आज हमारे ट्रस्टी बनने के गौरव को प्राप्त किए हैं। मैं आवाज लगा रहा हूं श्री जिनराज जी और उनके सम्मान करने के लिए आदरणीय पवन जी गोधा और विजय जी चांदीवालों को आवाज लगा रहा हूं कि वो आएंगे। और आज हमारे ट्रस्टी बने श्रीमान जिनराज जी डालमिया, मंजू जी, आयुषी जी डालमिया के सत्कार को। और इसी क्रम में अशोक जी, नरेंद्र जी जैन, राणा प्रताप बाग, दिल्ली वालों को आवाज लगा रहा हूं जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ करके आज पुण्य के सौभाग्य को प्राप्त किया। आदरणीय पवन भैया, जिनराज जी डालमिया परिवार का जोरदार तालियों के साथ। जिनराज जी के यहाँ कोई भी जयपुर में जब साधु आते हैं, दिल्ली में जब भी साधु आते हैं, तो आहार दान का सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त होता है। एक बार जोरदार 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 तालियों के साथ। इंदौर से श्री पीयूष जी, प्रेमलता पहाड़िया ने 3 ग्राम स्वर्ण दान देने के लिए अपनी अंगूठी को दिया है। एक बार जोरदार सत्कार के साथ। जबलपुर से अक्षिता अर्चिता समकित जी जैन परिवार ने 3.75 ग्राम स्वर्ण दान दिया है और उसमें तत्काल कान के वाले देकर के उन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है। दिल्ली से अर्जुन नगर से श्रीमती कुसुम लता जी धर्मपत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार जी ने भी 2.5 ग्राम स्वर्ण दान देने करके सोने की अंगूठी देकर के सौभाग्य प्राप्त किया है। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान अनिल कुमार जी बरजात्या,
कोलकाता जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक होने का गौरव प्राप्त करते हैं, प्रथम प्रश्न के लिए उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी, सरिता जी, बिलाला। मैं आवाज लगा रहा हूं, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रोहित जी, अंकिता जी जो हमारे संस्था से बने हैं, उनके परिवार से छोटा सा बच्चा समर्थ एक प्रश्न लेकर के आ रहा है। महाराज जी, धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य करते समय जो उन कार्यों के लिए समय देना पड़ता है उसकी वजह से मन में हमेशा भय रहता है, कहीं व्यापार का नुकसान होने का डर लगा रहता है, क्योंकि व्यापार में फिर पूरा समय नहीं दे पाते हैं, तो कृपया मार्गदर्शन करें। देखो बात ऐसी है, व्यापार में ध्यान देना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक और सामाजिक कार्य पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। जब तक धार्मिक और सामाजिक कार्यों की गतिविधि चलते रहेगी तभी तक सब कुछ ठीक होगा, इसलिए धार्मिक सामाजिक गतिविधियों को हमें निरंतर गति देनी चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। अब रहा सवाल व्यापार के प्रभावित होने का, तो अपना सिस्टम इस तरीके का बना लीजिए कि व्यापार भी चलता रहे और हमारे काम भी चलते रहे। और जिन लोगों को व्यापार में बहुत व्यस्तता है, समय नहीं दे सकते हैं, तो जो धार्मिक सामाजिक कार्यों में अपना समय देते हैं उनके पीछे अपना हाथ रख देना चाहिए, काम हो जाए। ओह चलिए मोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मौन क्यों रहना चाहिए और किन किन स्थानों पर रहना चाहिए? मौन क्यों रहना चाहिए? देखो मौन अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए मौन रखा जाता है, और सात स्थानों में मौन तो सबको रखना ही चाहिए। गृहस्थों के लिए सात स्थान में मौन रखना का है, भोजन के समय, बमन के समय, स्नान के समय, मल मूत्र का परित्याग करते समय, अपने सामायिक पूजन आदि आवश्यक कार्य करते समय, पाप कार्य की जहाँ संभावना वहाँ, और जहाँ झगड़े होने की समस्या हो वहाँ पर मौन रखना चाहिए। महर्षि, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ बोलो। नमस्ते महर्षि, मैं मान्य थी चपारा से, मैं रामटेक प्रतिविद्यालय की छात्रा हूँ। महर्षि, जब मैं शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हुए थे, उसे पर्वत से मोक्ष क्यों गए, तथा आप शिखर जी की महिमा बताइए। 20 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष क्यों गए? नीचे से चले जाते तो हम लोग कितना ईजी हो जाता, चढ़ना नहीं था। ध्यान रखो, तीर्थंकर मोक्ष पर्वतों से इसीलिए गए कि हम सबको इस बात का आभास रहे कि अपना कल्याण करना होगा तो तपना होगा, समझ गए, तपस्या करनी होगी। तुम्हारे सवाल को एक दूसरे सवाल से जोड़ करके मैं बात करता हूँ। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि जैनों के तीर्थ ज़्यादातर पर्वतों पर हैं और वैष्णव तीर्थ प्रायः नदियों के किनारे हैं, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा जैन साधना ज्ञान प्रधान साधना है और वैष्णव साधना भक्ति प्रधान साधना है। ज्ञान में अपना उत्कर्ष करना पड़ता है, खुद अपना मार्ग बनाना पड़ता है, तो हमें आगे बढ़ना है तो खुद को ऊंचा उठाना होगा, इसलिए पर्वतों पर, पर्वतों के शिखर पर हमारे तीर्थ बने। और भक्ति प्रधान साधना में कुछ नहीं है, अपने आप को अर्पित करना होता है, नदी में बह जाओ तो सागर तक पहुंच जाओ, इसलिए वैष्णव तीर्थ नदियों के तट पर। दूसरा, जैन साधना अग्नि तत्व प्रधान है, हम तपस्या करके कर्म को जलाते हैं, अग्नि तत्व की प्रधानता है, और वैष्णव साधना जल तत्व प्रधान है। वहां पर जैन आत्मा से परमात्मा बनते हैं और वे आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं, नदियां सागर में मिलती है, इसलिए जैन तीर्थ पर्वतों के शिखर पर और वैष्णव तीर्थ प्राय नदियों के तट पर मिलते हैं। श्रीमान वीरेंद्र जी, संगीता जी परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेन्द्र जी नरपतिया, जो आज हमारे गुणायतन के ट्रस्टी बनने के गौरव को प्राप्त किए हैं। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये भौतिक युग में देखने में आता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को सर्वस्व देने के लिए तैयार रहते हैं, वही बच्चा बड़े होकर के अपने माता पिता से सब कुछ लेने के लिए तैयार रहता है, ऐसा क्यों होता है? ये तो समझने की, ये समझ जाओ तो फिर समझ में आ जाएगा। इसलिए ये तय मान करके चलना,
बच्चे तुमसे ले ही लेंगे, तुम चाहे कितना दो या ना दो। इसलिए क्या करो, एक सीधा सा फार्मूला देता हूँ, जितना बच्चों के हक का है उतना दे दो, बाकी अपने साथ बचाकर ऐसी व्यवस्था कर लो कि साथ में लेके जा सको। समझ गए, छोड़ने का काम नहीं है। चलिए श्रीमान नरपतिया जी, नरपतिया जी, जिनेंद्र जी नरपतिया जी हमारे बीच, उसके बाद तैयार रहेंगे अमन जैन, श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा पूजा पाठ में मन थोड़ा कम लगता है, मगर मंदिर के जीर्णोद्धार, मंदिर की आय इनकम बढ़ाने में, डेवलपमेंट में, इन चीज़ों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो क्या ये सही है? देखिए, पूजा पाठ और मंदिर का रख रखाव, इनमें अंतर क्या? मंदिर का रख रखाव भी एक प्रकार का धर्म ध्यान है, इसलिए जो लोग मंदिर का रख रखाव करते हैं वे अपने मन में ऐसी हीनता न लाएं कि मुझसे धर्म नहीं होता। अगर मंदिर का रख रखाव भी नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा? हमारे शास्त्रों में धर्मायतनों की रक्षा और संरक्षण को साता वेदनी और देवायु के आश्रव का कारण निरूपित किया है, इसलिए हताश मत हो। पर एक सलाह देता हूँ, इतना सब कुछ करते हो, पूजा पाठ और करने लगो, सोने में सुगंध वाली बात हो जाएगी, दोहरा लाभ हो जाएगा। जब रख रखाव ही कर रहे हो, भगवान की शरण में जा रहे हो, तो थोड़ा भगवान से अपनी ओर नेह लगा लो, भगवान से वार्ता भी तो करना शुरू करो। पूजा और क्या है, भगवान के साथ किया जाने वाला आंतरिक संवाद, वो संवाद जुड़ जाए, आनंद के साथ करो, भले एक पूजा करो, शुरू करो। हाँ, अमन जी जैन प्रमाण सागर संघ सेवा संघ ललितपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी डालमिया, जो आज गुणायतन के ट्रस्टी बनने का गौरव प्राप्त किए हैं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भून सा जीवन है इंसान का, भून सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा क्यों है? गुरुदेव नमोस्तु नम। भून सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा क्यों है? इसको सुधार लो, धूल सा जीवन है, बूंद बोलो, बूंद सा जीवन है इंसान का, पर अहंकार सागर से भी बड़ा क्यों है? बस यही तो पता है कि बूंद को अपनी औकात का पता नहीं है। जिस दिन बूंद को अपनी औकात का पता लग जाए, उसका अहंकार अपने आप विनष्ट हो जाए। हाँ, श्रीमती मंजू जी डालमिया ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनिता जी सेठ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, काल नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है कि जब इंसान के ऊपर, स्वयं के ऊपर अगर कोई वियोग की विपत्ति आ जाए तो अपने मन को धीरज कैसे दे? बहुत अच्छी बात, ये विपत्ति तो आजकल सबके साथ जुड़ी है। वियोग की विपत्ति आने पर अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? देखिए, संयोगों की नश्वरता का चिंतन करें, जीवन की भगवंता का चिंतन करें। ये सोचे संयोग वियोग में आज है, कल रहे न रहे, जीवन आना जाना है, ये पल पल बदलता रहता है, ये तो सबके साथ है। हमने अनंतों संयोग पाए हैं, अनंतों संयोग बदले हैं, ये क्रम चलता है, चलता रहेगा। हम आने आ जाने वाले लोगों के जीवन को देखें तो सब चीज़ें ठीक हो। और एक बात अपने मन में देखें कि मेरे साथ सामने वाले का इतना ही संयोग था, ये हृदय में बैठा दें, बस इतने दिन का संयोग था। जीवन हकीकत है, और उस समय सोचना चाहिए हमारे रोने से कोई लौटने वाला तो है नहीं, जो आया है वो जाएगा। हमने तो बचपन से ही सुना है, सीखा है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, तो बारी आएगी, और बारी आने पर सब अपने आप जीवन का क्रम बनता और बदलता है। इसलिए बारी आई है, चला गया मेरा इतना ही सही। श्रीमती सुलोचना जी सांजनी है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ आज के अगले प्रश्न के लिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनामिका जी पथरिया। बोलो संश्रमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य एकसार श्री प्रमाण सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य एकसार श्री हरे सागर मुनि महाराज की जय। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आचार्य श्री 1982 में समय शिखर जी की वंदना के लिए यहाँ आए, उनके यहाँ चरण पड़े, और मुनि प्रमाण सागर जी भी यहाँ
उनके साथ में ब्रह्मचारी अवस्था में मौजूद थे, तो शायद मुझे लगता है कि उनको ये मन में आई होगी कि कुछ न कुछ आचार्य के नाम से भी कुछ यहाँ पर कुछ न कुछ यह होना चाहिए। तो मैं गुणायतन तो मैं कई बार आया हूँ, लेकिन आज मैंने ये देखा कि ऐसी अद्भुत चीज बन रही है जो दुनिया में मेरे ख्याल में अद्भुत चीज होगी, देखने लायक जो होगी। जैन दर्शन क्या होता है उसको देखने से ही तुरंत दिमाग में आ जाएगा। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन अब एक प्रश्न अब मुझे बोला गया तो एक प्रश्न मेरा यह है कि जैसे मुझे शंका हो रही है कि जैसे निगोदिया जीव हैं और उसमें उसको एकेंद्री जीव क्यों नहीं बोला जाता है, निगोदी क्योंकि वो वनस्पति का एक जीव है, तो वो वनस्पति का एक जीव है तो एकेंद्री जीव में क्यों नहीं आता महाराज जी, यह थोड़ा बताइए। हेलो, ओ ओ देखिए, निगोदिया जीव को एकेंद्री जीव क्यों नहीं कहा जाता, निगोदिया एकेंद्री है पर एकेंद्री मात्र निगोदिया नहीं, निगोदिया एक प्रकार की काय है, इंद्री की अपेक्षा से तो निगोदिया को एकेंद्री ही कहेंगे, लेकिन एकेंद्रियों में भी एक ऐसे विशेष जीव जो एक साथ अनंत एक ही शरीर में रहते हैं वो निगोदिया है। इसे प्रायः साधारण वनस्पति के भेद के रूप में लिया जाता है, पर वह भी वनस्पतियों में हटकर है इसलिए उनको एक अलग संज्ञा दी गई। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। क्या बोल गई क्या बोल गई पता है, हाँ श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। अरे सागर जी महाराज की जय। बोलो, ऐसे बोल गए कि आचार्य जी का प्रखर वक्ता तो आप ही हैं, और उसमें भी इनका जब बचपन में नाम क्या था, नाम था नवीन, नवीन नाम, एक नवीन कार्य भी करने जा रहे हैं ये। आज हमने जो कार्य देखा एक अद्भुत कार्य है, और किस कार्य से कैसे कर रहे हैं, नाम भी इनका प्रमाण रखा गया है, प्रमाण के द्वारा सारा कार्य करने के लिए इन्हें इतना अद्भुत कार्य चालू किया कि देखते ही बहुत विशाल आ रही है। महाराज श्री मेरा क्वेश्चन है कि बोलो, गुणस्थान भय सात होते हैं, गुणस्थान के बारे गुणस्थान के हिसाब से कितने भय किसको रहते हैं भय, और एक एक देख है जीव द्रव्य ज्यादा है कि पुद्गल द्रव्य ज्यादा है। पहले सवाल का उत्तर दे दो। देखिए भय एक मानवीय दुर्बलता है, और ऐसे देखा जाए तो भय संज्ञा अष्टम गुणस्थान तक है, मैथुन नौम भय अष्टम तक भय संज्ञा अष्टम गुणस्थान तक, आहार संज्ञा छठे तक, भय संज्ञा अष्टम तक, मैथुन संज्ञा नौमे तक, और परिग्रह संज्ञा दसवें तक। लेकिन भय व्यक्त विकार के रूप में छठे गुणस्थान तक होता है, सम्यक दृष्टि को भी भय होता है, वो भय मुक्त नहीं होता, हाँ अच्छाई सम्यक दृष्टि को भी होता है, लेकिन वो भय होता है भयातुर नहीं होता। भय होना और भयातुर होना इसमें बड़ा अंतर है। सतर्कता अपनाना, सजगना सजग रहना, ये भी एक प्रकार का भय है जो हमें सावधान करता है, लेकिन किसी वास्तविक और काल्पनिक भयजन्य परिस्थिति के निर्मित होने से घबरा जाना भयातुरता है। वो घबराता नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके चलता है, निडर होता है, मदोन्मत्त सामने हाथी आ रहा है, क्या हमको कोई भय नहीं, सम्यक दृष्टि तो सत्य भय विपमुक्का होता है, तो हाथी के सामने अड़ जाए उसको सम्यक दृष्टि कहोगे कि पागल, बोलो। सामने से मदोन्मत्त हाथी है और वो सम्यक दृष्टि जीव है, उस हाथी को देख करके बचने के लिए साइड होगा कि नहीं, तो डर गया इसलिए हुआ। अभी कुछ लोगों ने बोला, हम लोगों ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को प्रेरणा दी कि भैया मास्क लगाओ, गाइडलाइन का पालन करो,
थोड़ी सी दूरी बना करके चलो, हिफाजत रखो। तो एक साहब ने आके मुझसे ही कहा, महाराज जी सम्यक दृष्टि तो सत्य भय से मुक्त होता, आपको कोरोना से क्या डरना। हम बोले इसका मतलब सम्यक दृष्टि ऐसा निडर होता है कि जहर भी पी ले। ये सब पागलपन की पहचान है, भय होना और भयातुर होना, इन दोनों में अंतर है। और जीव द्रव से अनंत गुना पुद्गल है। नमस्कार। अनामिका जी जैन पथरिया, उसके बाद तेरेंग प्यार रहेंगे प्रभात कुमार जी एवं समस्त समाज गैरत गोरेगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं भक्तामर हीलिंग करती हूँ और भक्तामर जी के माध्यम से सभी को हीलिंग देती हूँ और सभी के कल्याण की भावना करती हूँ। लेकिन महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि चिंतामणि पारसनाथ भगवान के ऊपर इतने उपसर्ग सहन किए उन्होंने 10 भाव तक, लेकिन उनके अंदर ऐसी क्षमता आई, हमारे अंदर ऐसी क्षमता कब आएगी? सब मुझसे पूछते हैं, तो मैंने कहा महाराज जी से जिज्ञासा समाप्त। बस पारसनाथ को भजने लगो, अपने आप सहनशीलता आ जाएगी। समझ गए? नाम लोग पारसनाथ का करते हैं और काम कमठ का करते हैं, तो क्षमता कहाँ से है? ये ठान लो, हम पारसनाथ का नाम लेंगे, पारसनाथ का काम करेंगे। ओम नमोस्तु महाराज। प्रभात कुमार जी, हम समझ से गोटेगांव समाज के लोग, उसके बाद वहीं से जहां आप वहीं से प्रश्न पूछे, उसी उन्हीं के साथ मोनिशा जैन है और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन जी बोहरा उज्जैन, पंकज सेठी कोटा और पीयूष जी पहाड़िया इंदौर, तीनों तैयार रहेंगे साथ में। एक पूछेंगे। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और समस्त गोटेगांव परिवार से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैन दर्शन का मूल अहिंसा धर्म है और तदानुसार कहा जाता है जियो और जीने दो। इसके प्रथम जियो यानी स्वयं जीने का आदेश है, फिर जीने यानी अन्य जीवों की रक्षा का उपदेश है। इसमें प्रथम स्वयं जीने का उपदेश किस अपेक्षा से है? अरे हम जिएंगे तभी तो किसी को जीने देंगे, हम ही नहीं जिएंगे तो किसी को जीने देंगे, इसलिए खुद जियो और को जीने दो। समझ गए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। अगला। श्रीमान पवन जी, पंकज जी, पीयूष जी पहाड़िया से एक प्रश्न के लिए तैयार हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी, सुषमा जी सिंघई खुरई। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारे साथ जो लोग रहते हैं आसपास के, कई बार वो आस्तीन के सांप की तरह व्यवहार करते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि हम उनसे किस प्रकार बचें और किस प्रकार हम अपने परिणाम निर्मल बनाए रख सकें। सपेरों को देखा है? बोलो, सपेरों को देखा है कि नहीं देखा? वो सांप रखते हैं ना, हाँ जी, पर बचे रहते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, किसी की बड़ी सार्थक पंक्तियां, सांपों से निपटने के कुछ पैंतरे भी सीख। सांपों से निपटने के कुछ पैतरे भी सीख, यदि तुझे रहना आलमे फना में, रहना आलमे फना में, इस दुनिया में रहना है तो थोड़े पैतरे सीखना चाहिए। समझ गए? तो ये सांप है, रहेंगे आस्तीन के रहने दो, अपने पास एक ऐसी नाग दमनी रखो कि सांप कितना भी दंश मारे उसका जहर ना पड़ पाए, उससे तुम अप्रभावित रहो। अब सांप है पले हुए तो रहेंगे ही, पाले क्यों? अब आस्तीन में है तो है, चिंता मत करो, बस अपने सुरक्षा का ख्याल रखो, उनसे प्रभावित ना हो। पर मुश्किल तो तब होती है जब आप आस्तीन के सांप को रात दिन दूध पिलाते हो, उसे पाल पाल के मोटा करते हो, फिर कहते हो अरे ये तो आस्तीन का सांप बन गया। अरे भाई, पहले ही उसे भाप लो तो बात ही कुछ नहीं होगी। समझ गया? नमस्तु गुरु, नमस्तु गुरु, नमस्ते। श्रीमान अशोक जी, सुषमा जी सिंह खुरई ट्रस्टी गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव जी सेठी गया। नमस्तु भगवान,
परम पूज्य आचार्य श्री जी ने कहा था, हम सत्य के अनुरूप चलेंगे तो वह शिव वह सुंदर होने वाला है, हम सत्य को छोड़ देंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव, हम सामान्य नागरिक के रूप में देख रहे हैं कि सत्य या जिसे न्याय कहें उसकी प्राप्ति में और उसे प्रतिष्ठित करने में वर्षों और कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है, जबकि असत्य अधिकार पूर्वक सर्वत्र राज करता है। हे प्रभु, ऐसे में हम क्या करें? चंदन का पेड़ देखा? बोलो, देखा है? कितने दिन में लगता है? अधिक समय में, वर्षों लगते हैं तब चंदन का पेड़ फलता है। और बेशरम क्या होता है? चाहे जहां उगाता है उसको सींचना भी नहीं पड़ता, फेंक दो अपने आप उगाता है, इसीलिए उसका नाम बेशरम है। समझ गए? और झारखंड बिहार में उसके लिए एक दूसरा शब्द है जो आपको बता देता हूं, उसका नाम है थेथर। थेथर, थेथर यानी एकदम बेशरम, वो पर्यायवाची शब्द है। समझ गए? तो बेशरम का पेड़ चाहे जहां पनपता है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, सत्य चंदन का पेड़ है जो समय पर फलता है, और असत्य बेशरम है चाहे जहां पसर जाता है, फैलने दो। श्रीमान संजीव जी सेठी गया परिवार तैयार हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर नीलम जी सराफ ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरे पुत्र बहुधू जो है ना, वो प्रश्न पूछिए महाराज। हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, शंका है कि बोलो, घबराओ नहीं। हाँ, कि विचार में जो भिन्नता होती है, जैसे नंबर 9 है, मेरी को नंबर 9 दिख रहा है और सामने वाले को भी नंबर 6 दिख रहा है, दोनों को अपनी अपनी तरफ से दोनों सही हैं, बट उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, हमें अगर 9 दिख रहा है तो हम 9 पर ध्यान दें, सामने वाले को 6 दिख रहा है वो 6 को ध्यान दे, लेकिन हम इस बात के लिए सामने वाले से लड़े नहीं कि तुम इसको 9 बोलो, और सामने वाला इस बात के लिए लड़े नहीं कि तुम इसको 6 बोलो। तुम्हें जो दिख रहा है तुम ऐसा देखो, लेकिन उसे वैसा ही मत समझो। 9 को पलटने से 6 भी होता है, ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हम 9 देख रहे हैं और कोई कह रहा है 6, बोले हाँ 6 भी है। समझ गए? इतनी उदारता अपने अंदर होनी चाहिए, हम अपने दृष्टिकोण पर स्थिर रहे, पर सामने वालों के दृष्टिकोण का सत्कार करना भी सीखें। डॉक्टर नीलम जी सराफ ललितपुर बोलो, और उसके बाद तैयार रहेंगे। हाँ बोलो जल्दी। हाँ नमोस्तु महाराज श्री, बोलते हैं कि हमें आज में जीना चाहिए, लेकिन हमारा धर्म ऐसा कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो वो पहले के पाप कर्म का उदय है, या अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो पहले के पुण्य कर्म का उदय, ये भी या फिर अभी अच्छा करेंगे तो आगे जाकर तुम्हारे साथ अच्छा होगा, या अभी अगर बुरा करा तो तुम्हें नरक गति मिलेगी। तो महाराज श्री, इन सब में हम आज में ही आगे का या पहले का सोचने लगते हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये सब में कैसे हम तालमेल बैठाएं कि हम आज में जी सकें। बहुत अच्छा सवाल है। आज में जीने की बात की जाती है, पर हमें हमेशा बीते कल से जोड़ा जाता है, आने वाले कल के लिए जोड़ा जाता है, ये क्या है समझो। आज में जीने का अर्थ क्या है, और हमें बीते कल या भावी कल की बात जो बताई जाती है उसका अर्थ क्या है? आज में जीने का मतलब कुल इतना है कि अतीत की स्मृतियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, और भविष्य की कल्पनाओं में कभी खो मत। लेकिन आज में जीने का ये अर्थ कभी नहीं है कि अतीत के अनुभवों का कोई लाभ न लो, और भविष्य के प्रति कभी कोई सतर्कता न रखो। आज में जीने के अर्थ को व्यापकता से समझो। आज में जीने का मतलब आज को सार्थक बनाओ, और आज को हम सार्थक तब बना सकेंगे जब हम अपने बीते हुए कल का अनुभव पाएंगे,
और अपने आने वाले कल को हम सफल तब बना पाएंगे जब हम आज कल के प्रति सतर्क रहेंगे। तो ये जो कहा जाता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटा वो तुम्हारे पिछले जीवन का है और आज जो तुम करोगे वो कल होगा, ये दोनों बातें एक पीछे के अनुभव से जुड़ा है और एक भविष्य की सुरक्षा के प्रति एक सतर्कता का संदेश लिया हुआ है। इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखना, और ये भी तभी होगा जब आज को सुधारेंगे। जो अतीत का फल मिल रहा वो भी आज मिल रहा है और भविष्य का बीज बन रहा वो भी आज बन रहा है। इसलिए अतीत चाहे अनंत हो, भविष्य चाहे अनंत हो, पर हमारे लिए करने का कुछ है तो बस वर्तमान है, उसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर नीलम जी सराफ ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती सुषमा जी भांदरी, अंकुश आकांक्षा जैन, आशा जैन, श्री जैन, कीमती कुमार जैन, डॉक्टर सौरभ जैन। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तथा विधानकर्ता परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि शरण नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि बचपन में हम एक खेल खेलते हैं राजा मंत्री चोर सिपाही का, इसमें चोर के पॉइंट्स जीरो होते हैं, पर हमारे मन रूपी चित चोर को राजा माना जाता है। मुनिश्री, जब राजा ही चोर हो तो हमारे जीवन का कामकाज कैसे चल सकेगा, कृपया मार्गदर्शन दें। कबीर का एक दोहा मुझे याद है, बेढ़ा दीनों खेत को, बेढ़ा खेती खाए, नृप करे अन्याय तो न्याय कहां से पाए। तो बिल्कुल ठीक है, मन राजा है, लेकिन राजा ही चोर हो जाए तो जीवन का कोई ठौर नहीं। इसलिए हमें मन को चोर बनने से बचाना होगा, मन को मालिक बनाओ, और वह तभी संभव होगा जब हम मन को सही प्रशिक्षण दे, सही दिशा दे, सही दृष्टि। डॉक्टर सौरभ जैन अग्रिम और पूरा परिवार सामने है, और डॉक्टर सौरभ जैन के लिए एक बार आप जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। अभी नहीं, पूरे कोरोना काल में आचार्य को समर्पित होते हुए लगभग 6500 बार आपने चिकित्सीय परामर्श दिया, बहुत सुंदर सुंदर परामर्श आपके द्वारा दिए गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिकित्सीय परामर्श की जो फीस थी वो फीस थी कि नियम एक कोई भी छोटा सा अपने सामर्थ्य के अनुसार नियम ले लें, ये बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रेरणा है हम सबके लिए। वो एक चीज भेंट करेंगे ले आओ, और वो आचार्य श्री के अनिल जी समर्पित, अनिल जी एक आचार्य श्री के भगवान महावीर के 2600वें निर्वाण महोत्सव पर जन्म कल्याणक पर उन्होंने एक थीम बनाई है, रमेश कुमार जी ने उसको बनाया है, नागपुर वालों ने जोरदार तालियों के साथ, वे गुणायतन के ट्रस्टी हैं। देखिए रमेश जी ने जो चीज आप सबके बीच प्रस्तुत की है यह इनकी कल्पनाशील मस्तिष्क की उपज है। भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने कुछ सिक्के जारी किए थे, उसमें 5 रुपये के भी सिक्के थे। इन्होंने 5 रुपये के सिक्के से ये जैन प्रतीक को बनाकर यहाँ अर्पित किया है। हाँ, अनेक स्थानों में उसे रखा है, आज ये यहाँ समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर अंकित जैन प्रश्न पूछ रहे हैं, और उनके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमती महिमा जी, श्रीमती छाया जी लोहाड़िया, और श्रीमती आशा जी कासलीवाल हैदराबाद। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। गुणायतन प्रणेता श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि धार्मिक क्रियाओं के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि हम गए और हमने अभिषेक भगवान का बहुमान से किया, पूजा बहुमान से करी, क्योंकि आपके द्वारा बताया गया है तो हम उसमें बहुमान कर लेते हैं कि किस अच्छे से, कितने अच्छे ढंग से हमें करना है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है मुनिवर कि जब हम मंदिर से आते हैं तो हम भगवान, हाँ मंदिर से आते हैं तो कभी हम भगवान को पेट दिखा के आ जाते हैं, कभी हम मंदिर में वार्तालाप करते हैं भक्त श्री जी के सामने, तो कभी हम मंदिर में श्री जी के सामने ही द्रव्य धोने लगते हैं। तो मेरा ये आपसे, देखिए बहुत अच्छी बात कही है, कुछ दिन पहले भी इस तरह का भाव आया था।
हमें मंदिर में जाने के बाद भगवान की आसाधना से बचना चाहिए और भगवान को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा क्रॉस होके आना चाहिए। और वैसी कोई क्रिया 84 आसाधनाएँ मंदिर की बताई है उनसे बचना चाहिए। उसमें एक आसाधना है, मंदिर में दीवार से टिक करके भी नहीं बैठना चाहिए। अब तो आप लोग बिना कुर्सी के नहीं बैठ पाते, उसमें भी टिक जाते, पाँव पसार लेते हैं। इसलिए कायदे से मंदिर में कुर्सी की जगह मुड्ढे का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ टिकने की ही व्यवस्था ना हो। जमाई लेना, दीवार से टिकना, बातें करना, ये सब जिनेंद्र देव की असाधना है और पाप बंध के कारण है, इनसे बचना चाहिए। महाराज जी, मंदिर में बातचीत करने से बोल कितना तो दिया, बोल दिया, आगे चलो। हाँ श्रीमती महिमा जी, ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमती छाया जी, सुभाष जी लोहाड़े, आशा जी का असली हैदराबाद तैयार है। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अनिल जी बड़जात्या कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु। हैदराबाद के लोहाड़े परिवार की तरफ से, हैदराबाद के वासियों की तरफ से नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है, गुरुदेव कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, धर्म की सरल परिभाषा तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और श्रावक के 6 आवश्यक भी क्या धर्म के ही विभिन्न रूप है, एवं गौशाला, शांति धारा, मंदिर निर्माण में सहयोग देना क्या कहलाता है? कृपया समाधान करें, धर्म के सही मायने क्या है? देखिए, धर्म बिल्कुल सही कहा, वस्तु का स्वरूप धर्म है। लेकिन हमारी जितनी भी आपने भी चर्चा की, मंदिर निर्माण, गौशाला और अन्य तरह के कार्य, ये क्या है? ये धर्म के अंग है, ये धर्माचरण है, जहाँ आकर हम वस्तु के स्वभाव को पहचान सके, वस्तु के स्वरूप को जान सके, वो धर्म है। तो वस्तु के स्वभाव को जानने के लिए हमें यहीं आकर के प्रेरणा मिलेगी, चाहे आप पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, चाहे शंका समाधान अटेंड करो, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का एक अंग है, जिससे हमें धर्म की प्रेरणा मिलती है और धर्म की भावना को बल मिलता है। हाँ, बोलिए। घर बैठे अपने भक्तों को अपने प्रवचन के द्वारा प्रेरणा और संस्कार देने वाले मुनिवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और हैदराबाद वालों की तरफ से त्रै बार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, तो कहते हैं जीवन में एक गुरु का होना जरूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ऐसी क्या प्रायोरिटीज, मुझे हिंदी में नहीं आता बोलना, बोलो, क्या प्रायोरिटीज होना चाहिए जिससे हम हमारे गुरु का चयन कर सके कि वो हमें मार्गदर्शन में दे सके। तो और गुरु ऐसे मिले हमें जो हमें अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, हमारे में ऐसी क्या प्रायोरिटीज होना चाहिए ताकि हमें गुरु मिले? देखिए, बात सही है कि बिना गुरु के जीवन तरता नहीं, गुरु तो होना ही चाहिए। जैसे आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है, आपका एक लीगल एडवाइजर होता है, वैसे ही जीवन का एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होना चाहिए, और वह केवल गुरु हो सकता है। अब सवाल है गुरु के चुनाव का, किसे गुरु के रूप में चुने। जिसके अंदर गुरुत्व की आभा दिखती हो उसे ही गुरु के रूप में चुनना चाहिए। अगर आप किसी को आध्यात्मिक पथ का प्रदर्शक मानते हो तो ये देखो कि जिस अध्यात्म की पिपासा लेकर हम उनकी शरण गह रहे हैं वो उनमें है या नहीं। वे कहीं हमारी तरह विषय कषायों में तो रचपसने वाले नहीं हैं, हमारी तरह गोरख धंधे में उलझने वाले तो नहीं हैं। यदि वो उससे रहित है तो वो मेरे गुरु होने लायक है। अब गुरु को चुनने के लिए या गुरु को पाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, अपने आप को शिष्य बनाने की क्षमता बना लेनी चाहिए। अगर हम शिष्य बन गए तो गुरु हमें अपने आप मिल जाएंगे। मुश्किल ये है कि लोग गुरु को खोजते हैं, शिष्य बन नहीं पाते। शिष्य तब बना जाता है जब गुरु को अपने जीवन आदर्श के रूप में हृदय में स्थापित कर ले, और जब हम गुरु को अपने जीवन आदर्श के रूप में हृदय स्थापित करते हैं और उन्हें ही अपना मार्गदर्शक और प्रेरक मान लेते हैं तो वे हमारी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों के नियंत्रक बन जाते हैं,
उनके माध्यम से हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होने लगता है और हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाते हैं। तो वो भाव जिस दिन जग जाए, समझ लेना हमने गुरु को पा लिया। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। मैं हैदराबाद से महिमा जैन अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको प्रणाम करती हूँ। ये क्वेश्चन मेरी बेटी की तरफ से है, वो 10 साल की है, उसका नाम आन्या जैन है। उसका ये पूछना है कि गॉड मतलब भगवान ने पूरा क्रिएट किया है वर्ल्ड को, यूनिवर्स को, हमको सबको, तो फिर डेथ क्यों जरूरी है? जहाँ भगवान क्रिएट करता है वही भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे यही हमें बच्चों को चीजें समझानी चाहिए और यहाँ हम लोग प्रायः विफल हो जाते। भगवान ने संसार को बनाया ये धारणा ही ठीक नहीं। भगवान ने किसी को नहीं बनाया, ये जो क्रिएशन है ये एब एटर्नो है, इसे किसी ने बनाया नहीं, कोई इसका क्रिएटर नहीं है। ये अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई बना नहीं सकता। हाँ, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका स्वभाव है उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता। तो उत्पन्न होने के बाद विनष्ट होना और विनष्ट होने के बाद उत्पन्न और विनष्ट होने के बाद भी जो का त्यों बना रहना, ये स्वभाव है और ये चीज़ें परिवर्तित स्वभाव से होती है, इसलिए जन्म मरण चलता रहता है। हम अमर बने रहते हैं, अमर तो जान दो 400-500 वर्ष की उम्र हो और बाकी सब 25-50-60-70 साल में जाते रहें तो हम घर में ही अजूबा बन जाते हैं। इसलिए प्रकृति है, रिफ्रेश करती है, चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, समूल विनाश नहीं है। आत्मा का न जन्म है न मरण है। जैसे कपड़े फटते हैं तो आप अपने कपड़े बदलते हैं, इसी तरह मृत्यु और कुछ नहीं, देह परिवर्तन की एक क्रिया है। हम अपने ऊपर के चोले को बदलते हैं, ये अनादि से है और अनंत काल तक बना रहेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई बनाने वाला नहीं, इसे कोई मिटाने वाला नहीं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ।